मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बना माचागोरा बांध में सिवनी बालाघाट दूर दूर तक नहर के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है, लेकिन माचागोरा से लगे पास के 32 गांव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 32 गांव के किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी देने का कार्य चल रहा है। अभी मेंटेना कंपनी के द्वारा पंप हाउस का कार्य एवं पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से चल रहा है। किसान संघर्ष समिति के सदस्य को मेंटेना कंपनी अधिकारी ने बताया कि अभी पंप हाउस का कार्य लगभग 70% हो गया, वही पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी 70% हो गया है। बहुत ही जल्द क्षेत्र में सिंचाई के लिए किसानों को पानी दिया जाएगा। जिन स्थानों में पाइप बिछाना शेष है वहां पर जल्द ही पाइपलाइन बिछाई जाएगी। आगे उन्होंने बताया कि पंप हाउस में 1500 हॉर्स पावर की 4 बड़ी मोटर लगाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक मोटर का पावर 1500 हॉर्स पावर रहेगा। अभी जो शेष बचा काम है वो तेजी से किया जा रहा है। बहुत ही जल्द किसान संघर्ष समिति के 32 गांव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। किसान संघर्ष समिति का कहना है कि मेंटेना कंपनी और तेजी से कार्य करे, जिससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने पर खेतों में हरियाली आएगी एवं घरों में खुशहाली आएगी। जी, अभी आपने पंप हाउस में क्या कार्य देखे हैं और कितना कार्य हो गया है? अभी फिलहाल तो यहाँ पंप हाउस का काम बंद है और हमने यहाँ के कर्मचारी से बात की है कि बोले अभी काम बस सब चालू होने वाला है, इसका स्लैब बस करना है बोले, और इधर कुछ 500 मीटर बाकी बता रहा है इसमें पाइपलाइन जोड़ने के लिए, और अपने जो पावर हाउस का जो काम है उसको बोले अप्रूव होने का है वो, तो अभी उसको भी एक महीने के अंदर पंप हाउस का काम चालू कर देंगे बता रहे हैं। मतलब ये जो जिसमें ट्रांसफार्मर जिसमें मोटर चलेगी अपनी। क्या आपने कंपनी के अधिकारी से बातचीत किए हैं कि कितना कार आने कितना बचा? हर हफ्ते रेगुलर बात होती है, सरपंच साहब गाड़ी आ गई है बोले, मशीन आ गई है, हमको काम चालू करना है, आप हम किसानों को कुछ समझाइए बोले, तो हम उसमें भी इनका सहयोग कर रहे हैं पूरा फुल। तो साहब क्या कहते हैं? साहब बोलते बस हमको भी जल्दी काम करना है बोले, सब किसानों को भी पानी जल्दी मिलना चाहिए, हमारी भी यही आशा है। तो जे कार को पंप हाउस को देखकर आपको क्या लग रहा है कितने दिनों में हो जाएगा, कितना महीने लगेगा, आप देख के अनुमान लगा सकते हैं? अब यहाँ के तो जो कर्मचारी है काम करने वाले बोल रहे हैं कि हम गर्मी तक पानी देने की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, आपका नाम और आप कहाँ के किसान हैं? जी मैं सुनील कुमार दुबे ग्राम रामगढ़ से हूँ, रामगढ़ का किसान हूँ। अभी आप क्या देखने आए हुए हैं? यहाँ जो पंप हाउस का जो काम चल रहा था अच्छा। वो देखने आए हुए, लगभग स्लैब होने का बता रहे हैं अधिकारी लोग यहाँ के अच्छा। और काफ़ी पाइपलाइन भी गड़ चुकी है लगभग, यहाँ से जो पंप हाउस से जो पाइपलाइन जा रहा है दो या कितने बता रहे हैं वो, तो काफ़ी हद तक गड़ चुकी है। क्या आपको जानकारी है कि कितने गांवों में है पंप हाउस आने पंप हाउस का जो पानी मिलेगा? हाँ जानकारी तो है, 32 गाँव बता रहे हैं। तो 32 गांवों में आने खुशहाली आएगी इस पंप हाउस से? लगभग बहुत खुशी होगी किसानों को, तो पानी से तो बानी है। क्या आपने मेंटेना कंपनी के अधिकारी से बात किए थे? हाँ बात तो किए थे, मई जून में बता रहे हैं कि वो कंप्लीट हो जाएगा। जी जी, आपका नाम? मैं संजय कुमार भट्टी ग्राम दूरतरा से। जी अभी आप माचागोरा बांध आए हुए हैं जी पंप हाउस के कार को देखने के लिए, अभी कितना कार हो गया क्या आपको लग रहा है? वही हम लोग सभी मतलब ग्राम जुड़तरा से और रामगढ़ से क्षेत्र के मतलब किसान संघर्ष समिति के सभी सदस्य लोग यहाँ पंप हाउस का काम देखने आए हुए हैं कितना काम हुआ है कितना बाकी है और कब तक मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा ये जानकारी लेने आए। तो यहाँ देख के आपको क्या लग रहा है? अभी तो काम बहुत बाकी है, काम रनिंग में है। काम को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि कब तक हो जाएगा, किस प्रकार से? अब वो तो यही बताएंगे काम करने वाले कब तक कंप्लीट करके दे रहा है, हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मतलब काम कंप्लीट करके दें किसानों को। क्या यहाँ पर कंपनी के कुछ लोग आपको मिले? हाँ कंपनी के लोग मिले ना, वो तो जल्दी से जल्दी मतलब गर्मी तक पानी देने की बात कर रहे हैं। चौरे से संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।